अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। और मैं लेकर आ गई हूँ अपनी मोस्ट अवेटेड रमज़ान प्रेप वीडियो। पिछले लास्ट कुछ वीक्स इतने ज़्यादा बिजी गुजरे कि मैं रमज़ान प्रेप व्लॉग बहुत दिन से प्लान कर रही थी बनाने का, तो बस फाइनली मैंने बना ही लिया। और देखिए जी जनाब, मैंने कीमे के समोसे का मिक्सचर बना लिया है और इसकी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है कीमा समोसा की, तो अगर आप चाहेंगे तो आप चैनल पे भी देख सकते हैं, नहीं तो मैं लिंक शेयर कर दूंगी। और देखिए, मैंने अच्छे तरीके से कीमा बना लिया है, ये मटन का कीमा है और इसके अंदर मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज और फ्रोज़न हरा धनिया मैंने इसके अंदर ऐड किया। देखिए कितना ग्रीन है ये, मैं रमज़ान से पहले ही मैंने इसको चॉप करके फ्रीज़ कर लिया था और मैं डेली बेसिस पे भी इसको ऐसे ही फ्रीज़ करती हूँ ताकि ये लॉन्ग लास्टिंग रहे। तो बस अब इसको अच्छे तरीके से हम ठंडा कर लेंगे और इसके समोसे बना लेंगे। समोसे बनाने के लिए जो वे भी आपको ईजी लगे आप उस तरह समोसे बना सकते हैं। इस मिक्सचर से ईजिली 28 to 32 मेरे समोसे इजीली आराम से बन जाते हैं। देखिए जी, समोसे रेडी हैं। अब मैं इसको 4 to 5 आवर फ्रीज कर लूंगी, जो मैंने कर लिया है। और अब मैं इसको एक सील्ड बैग के अंदर डाल के, एयर टाइट बैग में मैं इसको फ्रीज कर दूंगी। आराम से ये 1 to 2 मंथ आपके फ्रीजर में सही रहते हैं। तो चलिए जी जनाब, अब हम आ गए हैं क्रॉकेट्स की रेसिपी पर और इसको भी मैं रेडी कर लूँगी। और बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ज़्यादा डिलीशियस है, क्रीमी क्रीमी से क्रॉकेट्स बच्चों को बहुत मेरे पसंद है। और ये तो मेरा मस्ट मस्ट एक डिश है जो कि मैं मेक एंड फ्रीज ज़रूर कर लेती हूँ नॉर्मली भी, क्योंकि रमज़ान के अलावा भी मैं कर लेती हूँ। और मेरे घर में गेस्ट को भी ये बहुत पसंद आता है, सब बहुत पसंद करते हैं इन क्रॉकेट्स को। तो ये रेसिपी बहुत इजी सी है और अब मैं इसको अच्छे तरीके से ठंडा कर लूँगी रूम टेम्परेचर पे। और इनको मैं मैदे में, ब्रेड क्रम में, एग में डिप करके इनके मैं बॉल्स बना लूँगी। आप चाहें तो इसको स्क्वायर शेप भी दे सकते हैं। देखिए जी जनाब, मैंने इनकी बॉल्स बना ली हैं। अब मैं इनको 4 to 5 आवर्स फ्रीज़ करूँगी और इनको हम सील्ड पैक में डाल के, सील्ड बैग में, एयर टाइट बैग में डाल के इनको हम ये भी 1 to 2 मंथ आराम से फ्रीज़र में स्टे कर लेते हैं। देखिए जी, नेक्स्ट मेरी रेसिपी है कच्चे कीमे के कबाब, और जिसके लिए मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ले ली है, कुछ हरी मिर्चें ले ली हैं, लहसुन अदरक ले लिया है। इसको मैं चॉपर में जस्ट रफली चॉप कर लूँगी। देखिए जी, इस तरह से मैं चॉप कर लूँगी। और कीमा मेरे पास है मटन का 1/2 kg, उसके अंदर मैंने उसको शामिल कर दिया, हरा धनिया, पुदीना, कुछ स्पाइसेस, थोड़ा सा बेसन, आप चाहें तो एग भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मिक्स करके मैंने जस्ट कबाब बना लिए। कभी समटाइम्स ऐसा होता है कि सहरी के टाइम हमारे पास कोई सालन नहीं है, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन होता है कि आपने कबाब फ्राई कर लिए और पराठे के साथ इनको इन्जॉय कर लिए। इसके भी मैंने कबाब बना के फ्रीज कर लिए हैं। देखिए जिस तरह से हम इसको बैग में डाल के इजीली ये भी 1 to 2 मंथ आपके पास रह जाते हैं। तो जनाब, अभी मैं बना रही हूँ मसाला पेटीज। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल के ऊपर है, बहुत मज़े के बनते हैं ये, और 22 से 23 पेटीज ये आराम से बना देगा ये मिक्सचर। और यहाँ पे मैंने ये एक बेकरी में ट्राई किए थे, मुझे बहुत पसंद आया। मैंने घर पे आके जब 2-3 दफ़ा इनको कोशिश की बनाने की, तो मैं फाइनली सक्सेसफुल हो गई। और इसको अच्छे तरीके से रूम टेम्परेचर पे आपने ठंडा कर लेना है और पेटीज़ के अंदर इनको डाल देना है। और इसको आप एग ब्रश करके, आप सेसेमी सीड या तिल डाल सकते हैं या कलौंजी आप ऊपर से छिड़क के इनको फ्रीज़ कर लें। और बहुत ज़बरदस्त रहते हैं ये, 1 महीने तक फ्रीज़र में रह जाते हैं। और इसका बेस्ट रिज़ल्ट मैंने देखा है कि जब आप इनको एयर फ्रायर में बेक करते हैं ना, तो ये ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से बनते हैं। मुझे सबसे बेस्ट अभी तक एयर फ्रायर लगा। तो फाइनली जनाब, मैं बना रही हूँ इमली की खट्टी चटनी, जिसमें मैंने स्पाइसेस ऐड कर दिए हैं और बहुत सारा पल्प मैंने इमली का निकाल लिया था। और इसको मैं 20 to 25 मिनट लो फ्लेम पे पकाऊंगी और ये रेडी हो जाएगी। देखिए काफ़ी देर ये पक चुकी है और अभी रेडी है। मैंने बहुत ज़्यादा इसको गाढ़ा नहीं किया, एक नॉर्मल मैंने इसको कंसिस्टेंसी पर रखा है। तो ये है मेरी सारी चीज़ें जो कि मैंने मेक एंड फ्रीज़ के लिए कुछ चीज़ें रेडी की हैं, मेरे पास जितना टाइम रहा। ये शामी कबाब हैं, क्रॉकेट्स हैं, पेटीज़ हैं, और ये मैंने कुछ ब्लैक वाले छोले भी बॉयल किए। मेरे यहाँ बहुत कम बनते लेकिन फिर भी कभी कभी वीकली मैं बना लेती हूँ। और ये है मेरी इमली की चटनी, देखिए अच्छी खासी 2 बॉक्सेस में निकल आई है। और ये है कच्चे कीमे के कबाब, पेटीज़ हैं और समोसे हैं मेरे। तो अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। छोटा सा मैंने रमज़ान प्रेप का बनाया, अभी तो बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं ताकि रमज़ान में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम किचन में स्पेंड करना पड़े और मैं अपना टाइम अपनी इबादतों को दे सकूँ। तो अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपकमिंग वीडियोज़। अंटिल माई नेक्स्ट वीडियो, खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह। इन तमाम रेसिपीज़ के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी।